स्वागत है। आज हम बनाने वाले बचे हुए शुगर से टेस्टी पराठे या चिले जिनको बोला जाता है। तो देखिए किस तरीके से हम बनाते हैं और एकदम इजी तरीके से, इसे बच्चे बड़े सब काफी पसंद करते हैं। इसे आप बच्चों को लंच में, डिनर में या फिर ब्रेकफास्ट में, अगर बच्चे स्कूल जाते तो आप टिफिन में भी दे सकते हैं, तो बच्चों को काफी पसंद भी आएंगे और साथ ही ये शुगर सिरप भी आपका यूज हो जाएगा। तो काफी बार हम ऐसे ही फेंक देते हैं, तो फेंकने के बजाय उससे काफी अच्छी रेसिपी बन सकती है। तो देखिए बनाना करते हैं स्टार्ट। तो उसके लिए मैंने देखिए ये लिया है शुगर सिरप, तो ये लगभग मैंने 400 ml लिया है। साथ ही लिया है 200 ग्राम मैंने आटा, तो जितना हमें शुगर सिरप लेना है उसका आधा ही आटा लेना है। आप चाहें तो इसे मैदे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आटे के साथ बनाएंगे तो ये ज़्यादा हेल्दी बनेगा। साथ ही लिया है मैंने 150 ml दूध यानी 150 ml। साथ ही लिया है 4 से 5 चम्मच घी, 1 बड़ा चम्मच लिया है किशमिश और साथ ही लिए हैं बादाम और काजू। तो आप जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। तो देखिए बनाते हैं। तो देखिए शुगर सिरप में डाल देते हैं आटा, क्योंकि आटे से बनाएंगे तो ज़्यादा हेल्दी बनेगा। और अच्छे से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। इसके अंदर जो मैंने शुगर सिरप लिया है ये रसगुल्ले से बचा हुआ है, वैसे इस तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी भी, सॉरी दूध भी ऐड करते जाएंगे। आप चाहें तो पानी भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने आधा दूध है वो यूज कर लिया है। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं इस तरीके से। और इसको अब हम ढक के 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं, ताकि आटा हमारा अच्छे से फूल जाए और ये थोड़ा थिक भी हो जाएगा जैसे जैसे आटा फूलेगा। तो ये दूध है जो मैंने एक बार गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध है। और ड्राई फ्रूट्स को भी हम कट कर लेते हैं। देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा बैटर पहले से थिक भी हो चुका है। तो अब इसमें डाल देते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स, इनको भी हमने कट कर लिया है। साथ ही डाल देते हैं किशमिश। तो आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप वो डाल सकते हैं, या फिर जो बच्चों को पसंद हो जो खाते हैं वो आप डाल सकते हैं इसमें। और कर लेते हैं मिक्स। तो काफी हेल्दी रेसिपी, आप जरूर ट्राई करें इसको। फिर रख दिया है मैंने तवा, आप चाहे तो कोई भी पैन में भी बना सकते हो, या फिर रेगुलर जिस पे आप रोटी बनाते हो उस तवे का यूज करके भी आप बना सकते हैं। तो तवे को कर लेते हैं हम गरम। घी, आप चाहें तो घी की जगह तेल भी यूज कर सकते हैं। और इसे फैला देते हैं एक ब्रश की मदद से। और आप इस पे डाल देते हैं हम बैटर। तो इसको हम फैला देते हैं बैटर को डाल के, लो मीडियम फ्लेम पे ही हमें बनाने हैं। तो जैसे हमारा चीला सिख रहा है इस पे बबल्स आ रहे हैं, देखिए इस तरीके से ये। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं अच्छे से, इसको सिकने दें उसके बाद ही पलटे, नहीं तो ये टूट जाएगा। इसको हम एक बार देख लेते हैं, हल्का सिका है अभी, तो इसको और हम कुछ देर सिकने देते हैं। देखिए किनारों से छुटाते हुए पलट लेंगे। देखिए एक साइड से अच्छे से सिक चुका है, तो इसके कर लेते हैं हम साइड चेंज तरीके से। देखिए इसको मैंने साइड चेंज कर लिया, अब दूसरी साइड से भी हम सिकने देते हैं अच्छे से। और इसी तरीके से हम सारे चीले बना लेंगे। किनारों पे डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा घी। तो काफी हेल्दी रेसिपी है, इसे जरूर ट्राई करें, बच्चों को जरूर बना के खिलाएं। चीला अच्छे से सिक चुका है, इसे निकाल लेते हैं हम प्लेट पर। सेम तरीके से हम और चीले भी हम बना लेंगे। तरीके से मैंने दूसरे चीले का भी बैटर डाल दिया है तवे पे, तो इसको भी सेम तरीके से हम बना लेंगे। ये चीले बन के तैयार हो गए, इस तरीके से हम सारे चीले बना लेंगे। अगर आपको ये मीठे चीले बनाने का तरीका अच्छा लगा तो आप इसे जरूर बना के देखिए अपने घर पे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाते हैं इस तरीके के चीले खा के। तो अगर चैनल वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।